Hello, my children. This is Santosh Srivastava from Super 60 Education Hub. And today I'm with a new segment of Daily Dose Shape 1, and that is the verbal phrases, or you can say phrasal verbs. You have already read set one of superfluous examples, set one of prepositions, and set one of lossy and steady verbs. Today you are going to read or study set one of phrasal verbs. Actually, just after some time you will find that there is a collection of material, means बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स आपको एक शीट में मैं एक साथ कर दूंगा. तो अभी जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि ये क्या है वो एक साथ हो जाए तो आपको पता चलेगा कि एक शीट में आपने क्या पाया. एक शीट में आपने सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स जो आपको कॉमन एरर्स के रूप में सीजियल सीएचएसएल वगैरह में दिए जाते हैं वो आपने पाया. एक सेट में आपने सारी जो प्रीपोजिशंस है वो पाया आपने. एक सेट में आपने लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स सारे आपने पा लिए. अभी आज से आप फ्रेजल वर्ब्स आप पा रहे हैं और आगे वन वर्ड्स और इडियम्स आप पा जाए. फिर इस सब एक साथ में कर दूंगा. इससे होगा क्या, सारी चीजें आप एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे. क्योंकि सेगमेंट्स में आप यहां पढ़ रहे हैं, जैसे वो एक साथ एक्सरसाइज के रूप में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी पूंजी हमारी क्या हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है. ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स जो एक सेगमेंट है और उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, दिस इज यू कैन सी हियर वर्बल फ्रेजेस. ये भी मेरे शीट वन का ही मटेरियल है और इसे भी मैं सेट वन के नाम से दे दूंगा. ऐसे जब आप और फ्रेजेस जुड़ेंगे तो सेट टू हो जाएंगे और लॉजी एंड स्टडी वर्ड्स हो जाएंगे, सेट टू हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे और फिर इकट्ठा मटेरियल एक साथ हो जाए. ठीक, तो वर्बल फ्रेजेस में आज आपके पास है एक्ट ऑन, तो ये है एक्ट ऑन, एक फ्रेजल वर्ब आपकी. दूसरी है एक्ट अप टू, दूसरी फ्रेजल वर्ब. और तीसरी है एक्ट अपॉन. ठीक है, तो इस तरीके से आज तीन फ्रेजल वर्ब्स हम तैयार करते हैं. पहली है एक्ट ऑन. एक्ट ऑन मीन्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट. जब भी किसी चीज पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है, स्पेशली किसी मेटल वगैरह पे, तो वह एक्ट ऑन होता है. तो एक्ट ऑन मीन्स हो गया टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी असर डालना, किसी चीज पर अपना प्रभाव डालना जो होता है वो एक्ट ऑन होता है. क्या होता है एक्ट ऑन? एक्ट ऑन मीन्स असर डालना. स्ट्रांग एसिड्स यानी जो तेज अम्ल होता है, एक्ट ऑन वो अपना प्रभाव डालता है. किस पर प्रभाव डालता है? मेटल्स पर, धातुओं पर. यानी धातुओं पर प्रभाव डालता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो कभी भी अगर कहीं एक्ट ऑन हो तो एक्ट ऑन मीन्स असर डालना, अपना प्रभाव डालना. ओके, टू प्रोड्यूस इफेक्ट. नेक्स्ट आपका है एक्ट अप टू. एक्ट अप टू मीन्स होता है किसी के अनुसार, स्पेशली किसी चीज के अनुसार कार्य करना. तो एक्ट अप टू वर्क अकॉर्डिंग टू, अर्थात के अनुसार कार्य करना, मीन्स किसी के अनुसार कार्य करना. वी एक्टेड अप टू आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन. पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन समझते होंगे आप. पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन मीन्स माता पिता की अपेक्षाएं, यानी माता पिता की अपेक्षाओं के अनुसार, है ना, यानी अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुसार हमने क्या किया,
कार्य किया, यानी अगर एक्ट ऑन है तो एक्ट ऑन मीन्स असर डालना, प्रोड्यूस इफेक्ट, और एक्ट अप टू है तो वर्क अकॉर्डिंग टू, यानी किसी के अनुसार कार्य करना। और लास्ट है आपका एक्ट अपान। एक्ट अपान क्या होता है, जैसे आपको कोई सलाह दी गई और सलाह के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप एक्ट अपान कर रहे हैं। तो एक्ट अपान मीन्स वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ, यानी जो गाइडलाइन आपको दी गई, जो सलाह आपको दी गई, उस लाइन पर आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो यू आर एक्टिंग अपान। अर्थात वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ मीन्स के आधार पर, यानी जो सूचना आपको मिली उसके आधार पे आप कार्य कर रहे हैं, तो यू आर एक्टिंग अपान। जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग अपान द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शंस मीन्स प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट ने दिया है उसी के आधार पर प्राइम मिनिस्टर कार्य कर रहे हैं। तो तीन फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास आज है, ध्यान से सुने, तीन फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास है। पहला एक्ट ऑन, एक्ट ऑन मीन्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी असर डालना, प्रभाव छोड़ना। दूसरा एक्ट अप टू, एक्ट अप टू मीन्स किसी के आधार पर कार्य करना, जैसे आप अपने माता पिता के अपेक्षाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग अप टू द डिजायर ऑफ योर पेरेंट्स। और एक्ट अपान, कोई गाइडलाइन आपके पास है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यू आर एक्टिंग अपान। ठीक है, इस वेरी डोज की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है, कि जैसे ये पढ़ करके आप भूल जाएं ऐसा नहीं, क्योंकि इसके जस्ट आगे मैंने क्या दिया है आपको, क्या दिया है, एक्सरसाइज दे। उस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो हमने यहां पढ़ा हमें कितना तैयार हुआ। और जब भी अपने आप को आजमाना हो, ये वीडियोस देख करके हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, और कहीं फिसल जाए न याद आए तो मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई हुई है, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर एक्सरसाइज, यह ना एक्सरसाइज ऑन फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला है एक्ट ऑन, आप अपने से भी बता सकते हैं कि एक्ट ऑन का इनमें कौन सा होगा, एक्ट ऑन का टू क्रिटिसाइज होगा, या टू मिनिमाइज होगा, या टू प्रोड्यूस इफेक्ट होगा, या टू काउंट मनी होगा, कौन सा होगा एक्ट ऑन। याद आ गया, एक्ट ऑन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट, अब आपको देखिए रिविजन हो रहा है, टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी एक्ट ऑन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्ट अप टू, एक्ट अप टू का याद है आपको, वर्क अकॉर्डिंग टू होगा, या वर्क अगेंस्ट होगा, या गो अगेंस्ट होगा, या स्पीक अगेंस्ट होगा। तो एक्ट अप टू मीन्स होता है किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना, तो एक्ट अप टू का क्या हो जाएगा, वर्क अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, हो जाएगा। और लास्ट आपका है एक्ट अपान, एक्ट अपान मीन्स मैंने कहा जब आप किसी की सलाह के आधार पर, उसकी गाइडलाइन पर, या किसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप कोई कार्य करते हैं वो एक्ट अपान होता है। तो क्या एक्ट अपान वर्क अगेंस्ट होगा, नहीं, क्या वीप बिटरली होगा, नहीं, क्या लाफ लाउडली होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा एक्ट अपान का, वर्क ऑन द लाइन ऑफ, अर्थात किसी की सलाह पर, किसी इंफॉर्मेशन पर कार्य करना होता है। दिस इज फ्रेजल वर्ब, ये सेट्स पढ़ते जाएंगे, फिर आप इन्हें चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर आपके पास एक पूंजी होगी, इतना सारा हमारा क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। मैं फिर कहूंगा ये डेली मेरा रहेगा, मैं 15 20 मिनट 12 मिनट 10 मिनट का एक आपको सेगमेंट दे दूंगा, ताकि इससे आप धीरे धीरे रिविजन करते रहे, जो बच्चे पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका शुरू से चीजें कंपटीशन लेवल पे वो मेंटेन कर सकते हैं। आगे सीपीओ एसआई का पेपर है आपका, आगे फिर नेक्स्ट ईयर में आपको सीएचएसएल सीजन वगैरह मिलेंगे,
ये सारी प्रिपरेशन आप चाहें तो अभी से बना लें कि हमको तैयारी करनी है, ठीक है। ये देखें आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हर एग्जाम में दिए जाने वाले हैं, इनको मैं यहां तैयार भी करा दूंगा और आगे एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो पहला वर्ड है आपका एबडिकेट, आपको याद होगा एबडिकेट। एबडिकेट मीन्स होता है जब कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग करता है, मीन्स गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, मीन्स अपनी इच्छा से अपना पद त्याग करता है, वह एबडिकेट करता है। द किंग वाज फोर्स्ड, यानी राजा को बाध्य कर दिया गया टू एबडिकेट, क्या करने के लिए, अपना पद त्याग करने के लिए। तो एबडिकेट जाना हमने, एबडिकेट मीन्स तो वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से अपने पद को गिव अप कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैलर। बहुत बार किसी एक कैरेक्टर को लेकर के गाथा गीत बनाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में कही जाती हैं। वो जो गीत का रूप होता है उसे हम बैलर कहते हैं, मीन्स लॉन्ग सॉन्ग, कोई लंबा गीत आर पोयम या फिर कोई लंबी पोयम किसी एक फेमस कैरेक्टर को लेकर के बनाई जाती है, वह एक बैलड होता है। दिस बैलड इज रिटन अबाउट किंग आर्थर, यानी किंग आर्थर के लिए यह बैलड यानी यह गाथा गीत लिखी गई है। तो बैलड, बैलड मीन्स लॉन्ग पोयम आर लॉन्ग सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है कैजोलमेंट। कैजोलमेंट क्या होता है, जब आप किसी को चापलूसी करके, फ्लैटरी करके उसे किसी कार्य को करने के लिए मना लेते हैं, तो वह एक कैजोलमेंट होता है, मीन्स यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, यानी किसी को सहमत करने के लिए अगर आप फ्लैटरी करते हैं तो आप उसे कैजोल करते हैं, अर्थात नाउन के रूप में वह कैजोलमेंट कहलाता है। शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था हिज कैजोलमेंट, उसकी चापलूसी, यानी वो जो चापलूसी करके उसे सहमत करने की कोशिश कर रहा था उसे वो क्या नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। यहां तीन वर्ड हमारे पास हैं, पहला है एबडिकेट अर्थात अपनी इच्छा से अपना पद त्याग देना, वॉलंटरली गिविंग अप वन्स रेजिग्नेशन। दूसरा बैलड है, मीन्स लॉन्ग सॉन्ग और अ लॉन्ग पोयम, और तीसरा है कैजोलमेंट टू मेक समवन एग्री विद द हेल्प ऑफ विद द यूज ऑफ फ्लैटरी, ठीक है। अभी इसमें कुछ और वर्ड्स हैं, ये पहला है डेबोनियर, मीन्स फोर्थ वर्ड है डेबोनियर, कॉन्फिडेंट गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, जो व्यक्ति आकर्षक होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, वो कौन होता है, डेबोनियर होता है, मीन्स ही इज अ डेबोनियर मैन, वह एक आकर्षक और विश्वास से भरा व्यक्ति है, इन अ सूट एंड टॉप है, यानी वो जो व्यक्ति सूट पहना हुआ है, टॉप हैट लिया हुआ लगाया हुआ है, वो व्यक्ति एक डेबोनियर है, मीन्स क्या है, आकर्षक भी है और आत्मविश्वास से भरा, मीन्स अट्रैक्टिव भी है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। और लास्ट वर्ड है आपका eavesdropper, एक्चुअली इसमें सारे वर्ड्स मैंने केवल कंपटीशन के लिए हैं, जो एग्जाम से आए हुए हैं या आ सकते हैं, तो अगर आप तैयार करेंगे ये भी आपके एक पूंजी बन जाए। तो eavesdropper यानी वन हु सीक्रेटली लिसेंस टू द टॉक ऑफ अदर्स, अक्सर क्या होता है, दुश्मन जो है वो आपकी बातें चोरी से सुनने की कोशिश करता है, तो वो eavesdropper कहलाता है, यानी वन हु लिसेंस टू योर टॉक बट सीक्रेटली, जो चोरी से आपकी बातें सुनता है वह eavesdrop करता है और वो व्यक्ति eavesdropper होता है। डोंट बिलीव हिम, यानी उसकी बातों पर भरोसा मत करो, क्यों, क्योंकि ही इज एन eavesdropper, क्योंकि वो क्या है, एक eavesdropper है, मीन्स वह एक चोरी से बातें सुनने वाला है, मीन्स सीक्रेटली आपकी बातें वो सुन लेता है। तो हमारे पास पांच अच्छे वर्ड्स हैं, पांच अच्छे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड था आपका
एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स जब आप अपनी इच्छा से अपना पद त्याग कर देते हो वह आपका एब्डिकेट कहलाता। दूसरा वर्ड था आपका बैलड, बैलड मीन्स जब आप अपने कोई लंबी गीत को पढ़ते हैं, लंबा गीत पढ़ते हैं या फिर कोई लंबी पोएम पढ़ते हैं, लॉन्ग सॉन्ग हो या लॉन्ग पोएम हो वह बैलड कहलाता है। तीसरा वर्ड था आपका कैसोलमेंट, कैसोलमेंट जब आप अपनी फ्लैटरी से किसी को एग्री करने की कोशिश करते हैं तो वह कैसोलमेंट होता है। चौथा वर्ड है आपका डेबोनियर, डेबोनियर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर हो, आकर्षक हो और आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो वह डेबोनियर कहलाता है। और लास्ट वर्ड था आपका ईवड्रॉपर, जो व्यक्ति चोरी से सीक्रेटली आपकी टॉक को, आपकी बातों को सुनता हो वो ईवड्रॉपर होता है। और यहां भी मैंने एक्सरसाइज दी है तो आप अपने को आजमा सकते हैं कि पांचों वर्ड्स हमारे तैयार हुए या नहीं। ये एक्सरसाइज ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने बनाए इसे। यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, अगर आप किसी को सहमत करने के लिए आप फ्लैटरी करते हैं तो वो क्या है, वो डेबोनेयर है क्या होगा? कतई नहीं। डेबोनेयर तो वो व्यक्ति होता है जो आकर्षक, अट्रैक्टिव होता है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। क्या कैजोलमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। If you are making someone agree with the use of flattery, this is called casualment. तो ये casualment कुछ है। Eavesdropper कौन होता है? याद है? One who listens to your talk secretly, जो आपकी चोरी छिपे बातें सुनता है, वो eavesdropper होता है। Ballad क्या होता है? याद हो गया? Long poem or song is called ballad. दूसरी exercise. One who secretly listens. जो चोरी से सुनता है टू द टॉक ऑफ अदर्स, दूसरों की बातों को, वो कौन कहलाएगा? क्या वो बैलड है? कतई नहीं। याद हो गया होगा गाथा, गीत को बैलड कहते हैं। क्या वो मूड पॉइंट है? मूड पॉइंट क्या होता है? कोई कंट्रोवर्सियल टॉपिक, कोई विवाद का जो विषय होता है वो मूड पॉइंट होता है, कंट्रोवर्सियल टॉपिक। क्या वो ईवड्रॉपर है? बिल्कुल है। ईवड्रॉपर ही जो दूसरों की बातों को चोरी से सुनता है। क्या वो डिप्रेव्ड है? बिल्कुल नहीं। डिप्रेव्ड मीन्स भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति करप्ट होता है वह डिप्रेव्ड होता है, तो ये नहीं होगा। तो वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स ईवड्रॉपर। कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, ये कौन है? याद हो गया आपको? ये एसलांश नहीं है। एसलांश क्या होता है? सत्ता में जो बड़ा वर्ग होता है उस वर्ग को हम एसलांश कहते हैं। आप सत्ता वर्ग कह सकते हैं एसलांश। सत्ता में जो पदों का विभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसलांश कहते हैं। कैजुअलमेंट आपको याद हो गया होगा, कैजुअलमेंट जब आप किसी को चापलूसी करके मनाते, सहमत कर देते हैं। टेंटेड क्या होता है? जो व्यक्ति स्पॉटेड होता है, ब्लॉटेड होता है, मीन्स जो दागदार होता है वो टेंटेड होता है। और ये इसका आंसर है डेबोनेयर, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, वो कौन है? डेबोनेयर। ये भी आपकी एक्सरसाइज है। टू गिव अप अ थ्रोन आर वॉलंटियरली, जब आप अपनी इच्छा से पद त्याग कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या एक्ट अपान होगा? कतई नहीं। आपको याद हो गया होगा एक्ट अपान मीन्स किसी की सलाह पर, सूचना पर कार्य करना। क्या वो एक्ट अप टू होगा? कतई नहीं। एक्ट अप टू किसी के अनुसार कार्य करना। क्या वो एब्डिकेट होगा? बिल्कुल होगा। एब्डिकेट मीन्स होता है अपनी इच्छा से पद त्याग कर देना। क्या वो बैलड होगा? कतई नहीं। बैलड मीन्स वो लॉन्ग सॉन्ग या पोएम जो होती वो बैलड कहलाती। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्डिकेट। और लास्ट है आपका लॉन्ग सॉन्ग और पोयम, कर लेंगे आप। क्या होगा? क्या सिमिली होगा? कतई नहीं। सिमिली याद होगा आपको, उपमा अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं। क्या पोएटिक्स होगा? कतई नहीं। ये काव्य शास्त्र है जो एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है पोएटिक्स। क्या वो एथिक्स होगा? कतई नहीं। एथिक्स वो होता है जो नीति शास्त्र होता है, जो हमारी मोरालिटी पर आधारित होता है, वो एथिक्स होता है। हाँ, वो बैलेड हो जाएगा, मीन्स अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम हो जाएगा बैलेड।
तो पांच अच्छे वर्ब्स आपके पास हैं जो बैक जाकर के आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा तीन आपके पास आज फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा एक्ट ऑन जिसके मीन्स किसी पर असर डालना होता है, दूसरा एक्ट अप टू किसी के अनुसार कार्य करना होता है, और तीसरा एक्ट अपॉन जिस किसी के अनुसार किसी की सूचना के आधार पे क्या करना कार्य करना होता है। वो तीन फ्रेजल वर्ब्स और पांच आपके पास अच्छे वर्ड्स मिले, इन वर्ड्स को जरूर तैयार करें। ये वर्ड्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपके पास सारी शीट्स के वर्ड्स होंगे, आपके पास इकट्ठा एक डेली डोज के रूप में पूंजी होगी, जिस पूंजी को जिस असेट को आप चाहें तो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कल फिर मैं इसी समय आपके सामने रहूंगा, तो आप निश्चित ही इन वीडियोस को अच्छे से यूज करें, इन्हें स्टडी करें, अच्छे से डेप्थ में जाके तैयार करें और मुझे भी एनकरेज करने की कोशिश करें, दूसरे अन्य बच्चों को हमेशा बताते रहें, अपने टीचर को आप सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।